नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शादियों का सीजन आ गया है, और शादी में कोई भी ऐसी शादी नहीं होगी कि जिसमें ये दोना पत्तल होगा, पेपर प्लेट होगा, ना देखने को मिले। आपको बताते चलिए, बहुत जगह ऐसे अभी तक वीडियो देखने को मिले थे गोरखपुर में खास करके, कि ये जो राम मटेरियल था सीधे आपको खरीद के देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे लेमिनेशन वाली मशीन आ गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस होकर के मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो समझ सकते हैं जब यहाँ पे राम मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा तो भी काफी आपको चीपेस्ट प्राइस में मिलने वाला है। और यहाँ पे पेपर प्लेट के बहुत सारे मशीनें देखने को मिले, सिंगल डाई, डबल डाई, तो मतलब दोना पत्तल हो गया। खास करके अभी जब शादी होती है तो बफर प्लेट का बड़ा डिमांड आता है, वो भी सारा देखने को मिलेगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सर बातचीत करते हैं यहाँ के एक एम्प्लॉय से, जो पूरी जानकारी यहाँ के बारे में बताते हैं। बाबा जी मशीनरी से जुड़ गई है निकिता मैम। नमस्ते मैम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? मैं चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ के बारे में डिटेल बता दीजिए, कौन कौन सी मशीनें हैं, प्रॉपर एड्रेस क्या होने वाला है, इसके अलावा कौन कौन सा ब्रांच आपका खुल चुका है, इसके बारे में डिटेल बता दीजिए। निकिता, बाबा मशीनरी से मैं आपको डोना पत्तल वाली मशीन के बारे में बताने वाली हूँ जी। आइए बताती हूँ जी। तो कौन कौन सी मशीन यहाँ पे है? ये सिंगल डाई मशीन है जी, जैसे डोना पत्तल वफर जी, वफर जैसे। आइए मैं आपको सैंपल भी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मशीन को देखने को मिल जाता है, और ये छोटी छोटी सारा डाई जो प्लेट बना सकते हैं ना मैम? हाँ जी बना सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए आप लोग यहाँ पे जो बफर प्लेट होता है, खास कर शादी में बड़ा डिमांड आते भी बन जाएगा ना? हाँ जी, सारा कुछ बन जाएगा इस मशीन से ही। हाँ जी, और काफी लोग के दिमाग में ये आता है कि मैं प्लेट बनाऊंगा तो राम मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो देख पा रहे हैं राम मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखिए ये सारा कुछ को राम मटेरियल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखिए जो दोना पत्तल का राम मटेरियल यहाँ पे होगा, थाली का हो गया, अलग अलग साइज में मिलेगा। देखिए इसका अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। और मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दो मशीन दिखा दिया, एक मशीन ये है और एक मशीन ये है। और पहले हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, कैसे लगाएंगे, कितना मिनट तक इसको हम लोग चालू करके छोड़ना पड़ता है मैम? ये आपको 15-20 मिनट पहले छोड़नी पड़ेगी। तो इसको चालू कीजिएगा। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे चालू करके पहले छोड़ दिया गया था, और मशीन ये रनिंग करने के लिए मोटर ऑन कर दीजिए। जैसे आप ऑन करेंगे तो ये बनना चालू हो जाता है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये पेपर प्लेट आपके सामने ये बन के दिख रहा है, बहुत बेहतरीन। और ये मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये तो हम लोग बना ही सकते हैं, इसके अलावा पेपर प्लेट के सारे साइज बना सकते हैं। और मैं एक चीज देखना चाहूंगा, ये मशीन थोड़ा सा इसकी प्राइस के बारे में बात करें और इसकी प्राइस में बात करें, कुछ अंतर ये सेम है? ये सिंगल डाई मशीन है और ये नॉन गारंटी की मशीन है। और अच्छा। वो ये 32,000 की है और वो 40,000 की। 40,000 की है। हाँ जी। अब इसमें 32,000 का ये क्यों है, 40,000 की कुछ और अंतर है क्या इसका? 1.5 इंची एंगल है मशीन और वो 2 इंची एंगल मशीन। दोस्तों देख सकते हैं सबसे बड़ी बात की जब एंगल ऐसा कम रहेगा 1.5 इंच, जाहिर सी बात है जो बेस रहेगा थोड़ा सा लूज रहेगा, मतलब देखिए हिलने पे हिल जाएगा। और इसकी मजबूती देखिए ये 2 इंच का रहेगा, थोड़ा सा मीटर लाइन आपको नाप के दिखा दूं ताकि कुछ लोग को फ्रस्ट्रेट रहेगा। देखिए थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूं, देखिए ये आपका देखिए जो है सीधा 1.5 इंच का आ रहा है, और ये देखिए आपके सामने जब आएगा देखिए सीधा 2 इंच का आ रहा है, तो मजबूती भी भरपूर होने वाली। एक चीज मुझे और देखने को मिला, ये जो मोटर है देखिए लोकल है, जब मोटर लोकल रहेगा जाहिर सी बात इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। और ये आप लोग मार्केट में देखते होंगे कि ब्रांड है जो मोटर का, तो जाहिर सी बात है जो गोदरेज या क्रप्टन है मार्केट में खुद यहाँ पे जो रहता है इसकी गारंटी खुद ही से मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है इसका भी गारंटी मिलने वाला। और मजबूती की बात करें तो देखिए कितना ज्यादा मजबूती का मिलने वाला है, तो समझ सकते हैं ये आप जब लेके जाएंगे तो मार्केट में इसका बेच भी काफी ज्यादा। कौन कौन चला सकता है इसमें? घर में कोई भी चला सकता है, घर में माता बहने कोई भी चला सकता, मतलब है। नॉर्मल बहुत स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक थोड़ा सा ट्रेनिंग दिए सब लोग चला लेंगे। हाँ जी। और बात करते हैं लाइट लेने के लिए, कौन सी लाइट से चलती है? घर की लाइटों से चल, समझ सकते हैं कि घर की लाइटों से चलेगी, जाहिर सी बात है कि आपको 3 फेज के एक्स्ट्रा लाइट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। जब कोई मशीन लेके जाता तो मशीन की गारंटी की गारंटी है, और ये 40,000 तक की है जी। और वो अब वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो 32,000 तक की। देखिए उसके 32,000 की कोई गारंटी नहीं है, आप अपने रिस्क पे ले जा सकते हैं। और बात करते हैं मशीन काफी दूर दूर से मेरा वीडियो लोग देते हैं, कहाँ कहाँ भेज देंगे? ये पूरे भारत में भेज, पूरे भारत में भेज देंगे। तो दोस्तों देख सकते एक वीडियो सारा कुछ दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी जितना संभव हो सके मैंने आपको दिखाने के समझाने की कोशिश किया। बाकी फिर से मैं आपको दिखा देती है जो राम मटेरियल, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि राम मटेरियल आपको खुद यहाँ पे मिल जाता है। बाकी देखिए अब पेपर प्लेट का और सारे मशीन होता है, अलग अलग फीचर्स में देखने को मिल जाते हैं। और थोड़ा कैमरे को पास से लाइएगा, कुछ लोग के दिमाग में अगर स्लीपर वाली बस इनको थोड़ा हाईलाइट कर दो, यहाँ पे स्लीपर का भी पूरा राम मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है।
देख सकते हैं स्टॉक स्लीपर का भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, और पेपर प्लेट का सिंगल टाई से लेकर डबल टाई का क्रैंक सारा कुछ मिल जाएगा, प्लस ऑटोमेटिक भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करता हूं तो जो मैनुअल होता है 14,000 जो 15,000 से मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं ऑल इन वन जो मशीन होती है, मतलब एक मशीन से तीन तीन काम कर सकते हैं, जैसे स्क्रबर बना सकते हैं, पेपर प्लेट बना सकते हैं, उसके बाद स्लीपर बना सकते हैं, सारा कुछ बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा आपको वीडियो डिस्प्ले पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट में विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज के इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय जय भारत।